सो गाइस हम जा रहे हैं कसोल मम्मी के साथ और मेरे साथ दो पैसेंजर्स हो रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी को बला बला बना दिया है। नहीं ये हवा नहीं है, ये वो है जो गाड़ियाँ आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आई है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग है वो। सो गाइस मैंने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग वाला वो देखा, मतलब अगर किसी ने गाड़ी चार्ज करनी है तो मैं हूँ नील कंत स्टार करनाल पे। हाँ मैं देखा वो बहुत क्यूट है, मैं उसको टच करने लगी थी वो भाग गया, टॉयज डाल के डाल रहे ना। हाँ साक्षी धंजल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। मुझे पता है मैंने बहुत दिनों से ट्रैवल व्लॉग नहीं किया। आपको कॉफी प्लांटेशन वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं लास्ट वीडियो और जिसे नहीं देखा वो जाके देख सकता है मेरा कॉफी प्लांटेशन का वीडियो। और हम जा रहे हैं कसोल की तरफ। हमें अभी कसोल पहुंचने में कम से कम 11 घंटे हैं कम से कम। और वहां पे है आपका फंक्शन इसका 14 फेब का, तो ऑब्वियसली 14 फेब की वीडियो आ रही है जल्दी। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे पता है बहुत लोग जैसलमेर का क्या वैलेंटाइन डे जिसके लिए होता है हम तो सब तो मम्मी को लेके जा रहे हैं वैलेंटाइन डे पे, पापा को लेके नहीं गई मैं मम्मी को। सो जैसलमेर की वीडियोस भी जल्दी आ रही बिकॉज मैं जैसलमेर ट्रैवल करने वाली हूँ। और मैं रुकी थी सब्वे लेने के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का यहाँ पे सब्वे दूसरा आता है, इसके बाद मतलब एक सब्वे और आएगा फिर उसके पास कोई सब्वे नहीं आता। तो सब्वे का आप लोगों को पता कि इट्स अ गुड हेल्दी फूड वो लोग बनाते हैं। फिलहाल कौन कौन सब खाता है, सब सैंडविचेस उन सब के जितने प्रोडक्ट्स कौन खाते हैं, मेरी मम्मी तो नहीं खाती, मेरी मम्मी एक बाइट लेके कहेंगी मैं नहीं खा रही और लड्डू नहीं खाने बने अभी, होममेड लड्डू सभी बन गई। सो मिलते हैं आगे, हमें बहुत ज़्यादा सफ़र बाकी है और कसोल दिखाती हूँ इस बार आपको। कसोल आप बहुत बार देख चुके हैं मुझे पता है, बट इस बार मैं आपको जैसलमेर जरूर दिखाऊंगी। सो हम पहुंच गए NH5 पे एंड अभी भी रूट जो बचा है 8 घंटे का बचा है। मैं सुबह निकली थी अराउंड, जब आप लोगों को सबको पता ही है कि 14 घंटे का रूट है, मैं हर बार बता ही चुकी हूँ, मतलब 13 से 14 घंटे का ही नहीं जाते, डिपेंड अपॉन योर कार एवरेज। मैं निकाल रही हूँ इस वक्त एवरेज 30 की, ऐसा कि मेरी कार मुझे बता रही है। मैं चला रही निसान मैग्नेट और इसको हो चुका है पूरा 1 साल। 9th को इसका बर्थडे था, 9th को उसका बर्थडे जा चुका है। हमने केक नहीं काटा, मम्मी ने बनाया था पर हमने काटा नहीं, हमने बनाया था ना 9th को केक। हाँ तो 9th को हो चुका है इसको पूरा 1 साल और इसके टायर घिस चुके हैं, ये चल चुके हैं अराउंड 34,000 किलोमीटर। तो 9th को उसका हैप्पी बर्थडे था एंड मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं करे, मैं व्लॉग के ब्रेक पे थी और हमें अभी पहुंचने में 8 घंटे जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सो हम पहुंच गए 205 पे 5 से एकदम से शिफ्ट होके। एंड अगर आप लोग बता सकते हो कौन सा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, NH2 है, NH1 है, NH3 है, NH4 है, NH5 है, मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा अगर आप लोगों को पता है। मैं 205 पर हूँ, मैं पहुँचने में अभी 8 घंटे हो रहे जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ एंड मैं सेम जगह जा रही हूँ। बट मैं इस बार आपको फेब के मौसम में बताऊँगी क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सैटर्न एंड सन का मैंने कुछ ट्रांजिट बताया था आपको, जब सैटर्न और सन एक साथ एक राशि में बैठते तो वो मौसम बढ़ जाता है एंड तभी सर्दी पड़ गई थी। लेट्स सी कसोल के हाल है क्योंकि कसोल में फेब मतलब फेब के फर्स्ट वीक में बहुत मतलब वो हुई है, स्नोफॉल हुई है। लेट्स सी इस बार क्या हाल होते हैं। हम गाड़ी कंटिन्यू करते हैं रोड के साथ, मैं हूँ चंडीगढ़ के पास, नॉट इन चंडीगढ़ बट आउटर साइड ऑफ एयरपोर्ट रोड बेसिकली। सो हम फंसे हुए हैं जाम में पिछले 10-15 मिनट से एंड वी डोंट नो भी जाम कितनी देर का है एंड जाम बहुत लंबा है और मैं गाड़ी छोड़ के तो अभी कहीं जा नहीं रही। फिलहाल जाम कम से कम 1 घंटे का है क्योंकि आगे ट्रक पलटा हुआ है। अगर मेरे अलावा किसी को गाड़ी चलानी आती होती तो मैं आपको दिखा दी ट्रक कैसे पलटा हुआ, बट हो सकता है मैं आगे दिखाऊँ क्योंकि जब तक पुलिस वाले साफ करने आएंगे ट्रक को तब तक मैं शायद आप लोगों को दिखा सकती हूँ। सो मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं वो ये दोनों जने हैं और अभी ये गाड़ी से बाहर गए हैं कुछ खाने पीने के लिए। सो अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में, गाड़ी में फंसा रहना मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वॉशरूम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती दूर दूर तक, दूसरी चीज़ खाने नाम की कोई चीज़ नहीं होती दूर दूर तक, तीसरी चीज़ इंसान बोर हो जाता है बैठे बैठे, ड्राइवर सबसे पहले बोर होता है बैठे बैठे, कोई और घूम ना हो क्योंकि ड्राइवर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाड़ी छोड़ गई गाड़ी छोड़ गई गाड़ी छोड़ गई, बाकी लोग तो फिर भी गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं घूमने।
मैं पहुंच गई हूँ NH 154 पे. नहीं, मेरा 5:06 होगा, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैव नेवर काउंटेड. मैं इस बार काउंट करना चाहती थी, बट ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा फोकस हो गई क्योंकि हम ट्रैफिक में फंस गए थे. बट कोई ट्रक उल्टा हुआ दिखाई नहीं मुझको, सच बताऊँ तो. और अभी भी मुझे पहुँचने में कम से कम 5 घंटे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक. मेरे को आज इतना ट्रैफिक मिला जितना मुझे आज तक नहीं मिला, और मैं इतना ट्रैफिक की वजह से डिले हो गई. और मुझे ये नहीं पता इतने ट्रक्स कब से बढ़ गए, पहले इतने ट्रक्स इस रास्ते में होते ही नहीं थे. फिलहाल मैं चाहती हूँ आप कसोल के बारे में क्या जानना चाहते हैं, बिकॉज आई नो एवरीथिंग अबाउट कसोल. आप क्या जानना चाहते हैं? CFY ये पूछने के अलावा माल कहाँ मिलता है, इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताओ. नो, मैं माल पीती भी ना, मुझे पता कहाँ मिलता है. अगर पता भी होगा तो मैं क्यों बताऊँगी, ऑब्वियसली. तो नहीं, मुझे पता नहीं वैसे. सो मुझे कमेंट करके बताओ कसोल के बारे में मुझे क्या जानना चाहते हो. कसोल सिर्फ माल के लिए नहीं, पर बहुत सारी चॉकलेट फेमस है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ. अब इस बार क्या जानना चाहते हो कि मणिगढ़ से लेके, मैं तोश से लेके, शीला विजय से लेके, चलाल ट्रैक से लेके सब कुछ कवर कर चुकी हूँ, सिवाय रसोल का ट्रैक. रसोल का ट्रैक थोड़ा टफ है. उसके बाद मलाना से लेके सब कुछ कवर कर चुकी हूँ. मैं मलाना का ट्रेल नहीं किया, बट वाइजीन भी कवर कर चुकी हूँ. वाइजीन से ऊपर कोई रास्ता नहीं है. सो इस बार आप क्या देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताओ. तो मैं रुकी हूँ छोले कुलचे खाने क्योंकि बहुत भूख लगी थी. भैया कौन से वाले हैं आपके पास, चटनी वाले और टिक्की वाले? ये वाले हैं, ठीक है. मम्मी नहीं खाएंगी ये, बड़ा स्वाद है, खा के देखना अपने. चलो आप पैक कर दो. सुनो, एक में ना चटनी कम डाल देना. चटनी कम दो कर दिए, दो कर दी है, चटनी ज्यादा कर दी. चलो एक्स्ट्रा तुम लोगों ने खाना है? नहीं. हेलो, फाइनली हेलो. मैं सोच रही तुम्हारी शक्ल दिखाऊं ना दिखाऊं तुम लोगों को बुरा लगेगा कि शिवम नाम है इस लड़के का जो हमारे साथ मौजूद है. यही मुश्किल आती है खाने पीने, दूसरा हो जाता है बाहर निकलने में. तो इसमें टिक्की डाली होती है, पर इसने बहुत सारा वो सॉस नहीं डाल दी. मैं तक पहुंची उसने सारी सॉस से भर दिया था. छोले तो कम डाले, उसने सॉस ज़्यादा भर दिया. सो दिस इज समथिंग विच यू गेट ऑन द स्ट्रीट्स. एंड कैमरा में दिखा लूँ आपको, शर्म तो नहीं आती? अरे मेरे तो शक्ल उड़ी हुई है. सो मैडम जी का नाम ट्रैवल करके जैस्मिन है. हाँ, ट्रैवल करते हुए शक्ल उड़ती है, मैम सच में उड़ती है, सच में उड़ती है. सो मैडम जी भी ट्राई करेंगे, उनसे पूछेंगे कैसा है. वैसे मम्मी कैसा है ये, ठीक है? बस ठीक है. हम घर पे बनाते हैं ऐसा ही है ना, जैसे हम घर पे ट्राई करते हैं चीज़ें, ऐसा ही लग रहा है ना. सो गाइस ये मेरे साथ आज की कंपनी. सो हाउ इज इट, लाइक हमने स्ट्रीट फूड खाया, कैसा है ये? बहुत अच्छा है. ये अच्छा है, टेस्टी है. एक ही क्यों लाया फिर? एक ही, मुझे खाना नहीं था इसलिए. अच्छा, ये लोग शेयरिंग में बिलीव करते हैं. ऐसे वैलेंटाइन कपल है ना, तो थोड़ा सा शेयरिंग चलता है इनके लिए. तो हम लोग तो सिंगल है, माँ और मैं, इसलिए हमारे में शेयरिंग कम चलता है. फिलहाल हमें 4 घंटे दूर सफ़र से अपने, और मैं आज थकी नहीं हूँ, और मैंने अब ब्रेक लिया जाके एक तरीके से. बस हम पहुँचते हैं मंडी की मेन मार्केट, और ये मंडी की मेन मार्केट है. एक्चुअली मैंने एक रास्ता मिस करके ये वाला रास्ता लिया है, और लोग ऐसे बीच में भी लगा देते हैं बिकॉज ये जगह पूरी भरी हुई रहती है. ओके, वेट अ सेकंड. ओ भाई, तो लोग यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक का ध्यान नहीं रखते. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी स्पेस. तो ये है यहाँ की सबसे मतलब दुकानें, मतलब अगर आप मंडी रुक रहे हो. वैसे एक चीज़ आपको बताती हूँ, बसेस आती हैं मंडी तक भी, बसेस आती हैं सुंदरनगर तक भी. सुंदरनगर थोड़ा सा मतलब आपको कंजेस्टेड सा फील होगा, मंडी भी थोड़ा कंजेस्टेड सा. जब हम पहुँच जाते तो हमें थोड़ा सा एरिया कंजेस्टेड फील होता है, बट ये एरिया में मतलब बहुत सुंदर बना हुआ है अंदर से. तो हमें मंडी की मेन मार्केट में, और ये स्ट्रीट जा रही है आपकी. अगर अगर मैंने ये स्ट्रीट नहीं ली होती तो मैं मेन स्ट्रीट से मनाली पहुंचती, मगर ये स्ट्रीट आपकी मेन जा रही है. और जब मैं कसोल का रास्ता दूसरा चेंज करती तो मुझे ये यहीं से ले जाता है हर बार अंदर से. अभी भी हमें बहुत याद है क्योंकि हम जाम में अटके थे. क्या लोगों ने कहा ट्रक पलट दिया, बट मुझे सच में कोई ट्रक पलटा हुआ दिखा ही नहीं यार. आई जेट
लाइक मैं उसी रास्ते से निकली तो नो नथिंग वाज देयर. रुक दो. अरे यार तुम लोग दो मिनट छुपो बहुत ज़्यादा. चलो मैं पहुंच गई हूँ गाइस. चलो कसोल, चलो कसोल. वैसे के वैसे ही है, सुंदर, अति सुंदर एक्चुअली. ये रहा सिम्बा, सिम्बा. और मैं आई हूँ, वो लोग यहीं पे घूम रहे हैं एंड मिलते मेरे साथ आए हैं. एक्चुअली मम्मा अंदर है और कॉपीराइट ना आ जाए, मैं अपनी गाड़ी के आसपास ही टिकी रहती हूँ. सो बेसिकली मेरा सामान बहुत सारा था एज यूजुअल. तुम लोग कहोगे बहुत सारा सामान, ऑब्वियसली यार आगे भी सामान है, ये भी है. सो चलो कसोल इस वक्त पार्टी कर रहा है बहुत बड़ी. एक्चुअली कस्टमर्स के लिए आपने ले ली. ये हमारे किचन, हम किचन के पास वापस हैं. पनीर सब्जी, पनीर की फाइनली. थैंक यू सो मच, इतनी काफ़ी है, बस एक चपाती. हाँ पैच हो गया नींबू के साथ, आई लव नींबू का. सो गाइस मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ. ट्राउट फिश के साथ जो आपको देख रहे हैं, ट्राउट फिश है. और ये जो पानी आ रहा है पार्वती वैली कसोल कहलाता है. तो कल शुरू करते हैं नए ब्लॉग के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली से जो किलोमीटर पड़ता है वो कसोल का, वो 500 प्लस पड़ता है. सी यू विद द नेक्स्ट व्लॉग ऑफ कसोल. समथिंग गुड इज कमिंग बिकॉज इट्स अ वैलेंटाइन वीक. समथिंग गुड इज कमिंग, नॉट अ नॉर्मल व्लॉग्स. सी यू टुमारो. गुड नाइट. हैव अ ग्रेट टाइम एवरीवन.